बाबूजी तमाम आप लोग कांड करुण रस वीर रस बिरहा हमारी आवाज में आप लोगों सुन ली। एक और बहुत करुण कहानी आप लोगों के बीच में हम भेजा था नहीं। और तत्काल के घटना बा पेपर पत्रिका टेलीविजन चैनल आप लोग देखत बानी और पढ़त बानी हर चैनल पर ई न्यूज आवत रहा। कहाँ का कैसन घटना बा ध्यान से अगर सुनब मैं घमंड से नहीं कहता हूँ लेकिन दावा जरूर है कि मिजाज से अगर इस बिरहा को सुनेंगे तो कितना हूँ पत्थर का कलेजा होगा मोम बन जाएगा आंख से आंसू आ ही जाएगा इस गीत को सुन करके। कहानी कहाँ की है कैसी है कवि ने बड़ी अच्छी बात लिखा है क्या शोक सरिता एक एक शब्द पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा और खास तौर से हमारे पढ़े लिखे भाई जरा दो मिनट हिंदी साहित्य का आनंद लेंगे आप लोग कि शोक सरिता में डूबा गगन आसुमा अश्क अवनी अंबुज भी बहाने लगी गम में गुन गुनाने लगे गिरधारी दुख दरिया समंदर जताने लगी आह की है कराह जन जन बीच में नए नए आंसू से सब की नहाने लगी कुघाती करम से कलम कांपती हाथ लिखते करम डगमगाने लगी रविंदर ओपी देख घटना छत्तीसगढ़ की रविंदर ओपी देख घटना छत्तीसगढ़ की जखम भर हृदय में रुलाने लगी ये
गाना लिखते वक्त कवि को कहानी को देखते हुए भाव देना पड़ा। का कवि लिखला ना मास्टर, क्या बात है, बड़ी सुंदर भाव लिखल गल कि नजरे इस घटना को देख करके, इस घटना को सुन करके कि नजरे हैं छल छलाई, नजरे हैं छल छलाई नीच की नीचता से, नीच की नीचता से। जियो बेटा, क्या बात है, जियो पना। नजरे है छल छलाई नीच की नीचता से, हमार विरहा शुरू हो गल। जैसन कि आप रउआ सब जानीला, हम बताईला कि विरहा का मूल चीज कहानी होला। कहानी से दिमाग हट जाई, ओम प्रकाश का विरहा सुनल व्यर्थ बा। विरहा एकदम शीशा में जैसे सूरत लौकेला, साफ साफ सबके समझ में चली आई। कवि जी भाव लिखलन नजम के लाइन में, का लिखलन मास्टर, कहानी कहां से लिखल गई। प्रांत छत्तीसगढ़ जिला सुकमा के डगरिया में हादसा देख या सुभर जला नजरिया में, घटना कहिया कहो। 3 अप्रैल शनिवार की ये घटना है, नक्सली हेड माँ की रची हुई रचना है। ग्राम बीजापुर कोटा थाना का दस्तूर सही, लहू में लाल लाल रक्तों से रंगाई मही। हादसा देख कर, हादसा देख कर हृदय कांप जाता है, हादसा देख कर हृदय कांप जाता है, नैन रैन बिन पानी से भर जाता है। केकर कहानी बा। जिला अयोध्या का जवान राजकुमार रहा, जिला अयोध्या का जवान राजकुमार रहा, कमांडो कोबरा में भर्ती हो नहार रहा। राणो पाली जहां राम की पावन नगरी है, राणो पाली जहां राम की पावन नगरी है, चर्चा विश्व में विख्यात नाम सगरी है।
पिता सूरज सिंह माता सुमित्रा प्यारी थी, दुख दर्द सहती कैंसर की बीमारी थी। पत्नी ज्ञानमती सुमंदो प्यारा था, दोनों प्राणी का आंखों का तारा था। तनी बाबू समझ ला कहानी, एकदम साफ साफ समझ में चली आई। न्यूज में, पेपर में, पत्रिका में आप लोगों ने देखत बानी छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के कहानी भी आप लोगों खूब चीर परिचित हो गई बानी। हमारा देश के, हमारे मातृभूमि पर हमारे ही जवान 22 से 24 जवान मारे गए नक्सलियों के हाथों से। मार दियल गईलन, लेकिन वही 22-24 जवान में एक कोबरा में, कोबरा का हेड था जवान अयोध्या का रहने वाला, जहां मर्यादा पुरुषोत्तम राम की नगरी है। अयोध्या का रहने वाला लड़का का नाम राजकुमार बताया गया बाबू, लड़का के नाम राजकुमार बतावा गई, बाबूजी का नाम सूरज यादव, माई का नाम सुमित्रा देवी। जीवन की कैंसर से जिंदगी मौत के बीच जूझ रहल बाड़ी, कैंसर के, कैंसर से पीड़ित बाड़ी। पत्नी के नाम ज्ञानमती बतावल बा, एक के भाई बा, जीवना भाई के नाम पत्रिका में राम विलास यादव बतावल गई। लेकिन राजकुमार, कोबरा कमांडो का हेड जो है, हेड कांस्टेबल राजकुमार के बस छोटे छोटे दूठे लड़का। अफसरों की मीटिंग हुई है बाबू, कोबरा सीआरपी के जवानों की मीटिंग हुई है, बड़े बड़े अफसर बैठे और सब लोगों ने ये मीटिंग में पास किया कि अब नक्सलियों को यहाँ से खत्मा करना है। मीटिंग में पास हो गई, कुछ कोबरा के जवान, सीआरपी के जवान सब लोग चल पड़े अपनी अपनी टीम लेकर के, एकजुट बना करके। उसी में कोबरा का कमांडो कांस्टेबल हेड जो था लड़ाकू राजकुमार, वो भी अपनी बटालियन को लेकर चला है। और जब जंगल में प्रवेश किया है, तब कबीर जी के भाव लिखे के पड़ल काम, कि आगे बढ़ले जवानवाना, धरती माई के चूमे चरणवा, आगे बढ़ले जवानवाना, ललकारता है, ललकार करके कहा है क्या, अब की जान न छड़ दुश्मन के, भैया मार, सही है मालिक, अब की जान न छड़ दुश्मन के, चप्पा चप्पा घेरे बीजा बन के, चप्पा चप्पा घेरे बीजा बन के, आगे बढ़े जवानवान, आगे बढ़े जवानवान, बच के जाए ना ये को भवानवा, बच के जाए ना ये को भवानवा, आगे बढ़े जवानवाना, दुश्मनों को चुनौती दे रहा है, उन नक्सलियों को चुनौती दे रहा है, क्या चाहे जिया चाहे हम मरब, जिंदा मुर्दा बैरी के धारब, आगे बढ़े जवानवान, आगे बढ़े जवानवान, जारी बांटे ही है अभियानवा, आगे बढ़े जवानवाना, आगे बढ़े जवानवाना।
चुनौती दे रहा है उन नक्सलियों को, दोनों तरफ से चुनौती दी जा रही है, लेकिन राजकुमार अपने बटालियन को लेकर, नौजवानों को लेकर आगे बढ़ता जा रहा है। वो समय कवि जी फिर भाव दिहलन का दिहलन, लगले होई के चौकन्ना, अरे सांप के नजर आया सा साध के निशाना, जंगल के चप्पे चप्पे को एकदम पैनी नजरों से देख रहे थे। आगे बढ़ते जा रहे हैं, कहां धीरे धीरे पहुंच गई लम कि धीरे धीरे पहुंचे कोटा थाना के कगरिया, पहाड़ी इलाका है, पहाड़ के ऊपर वो साले नक्सली थे और नीचे जंगल में ये हमारे नौजवान थे कोबरा के और सीआरपी के। यही बीच दोनों से गोली चलत हो, आ जब गोली चले लगल बाबू अंजाम निकलल का, आई क्या गोली लागल राजकू, आई क्या गोली लागल राजकू, मारा के बदनवा दूसु मनवा पैरी, हाई दूसु मनवा पैरी ना गिरा दे धरती पर जवनवा, दूसु मनवा पैरी ना। तरफ से गोली चल रही थी बाबू, तब तक एक गोली आकर के राजकुमार के सीने में लगती है। नक्सलियों की गोली आती है और राजकुमार के सीना को चीर करके पार कर जाती है। कोबरा का हेड कांस्टेबल राजकुमार धरती पर गिर जाता है, खून की धार बह चली। आखिरकार बहुत कोशिश किया गया, राजकुमार नहीं बच पाया, इस दुनिया को छोड़कर चल बसा, शहीद हो गया अपने वतन के लिए, अपने धरती के लिए शहीद हो गया वो नौजवान, नक्सलियों के हाथ से मारा गया, शहीद हुआ। लेकिन यहाँ की तो बात अब खत्म करें, जो हुआ सो हुआ। राजकुमार के गांव में खबर पहुंचल बा, सबसे पहले राजकुमार का साला वकील था और उसी को पता चला, दबाने की कोशिश किया लेकिन कहल जला कि खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीत मतपान,
रहीमन दाबे ना दबे जाने सकल जहान, इस सब चीज जब दबौला मान का काबा, अरे आज नहीं काल पता चलबे करी। अंत तो गतवा राजकुमार के साला अहिलन अपने बहिन के यहाँ और परिवार में बतौलन, सभी लोग अवाक अवाक हो गए, हाहाकार मच गई, वो गांव में हाहाकार मच गई पूरा। राजकुमार नक्सलियों के हाथे मारा गया, लेकिन ए बाबू जब एम्बुलेंस लेके लाश आई, राजकुमार की लाश आई है उस गांव में एम्बुलेंस लेकर के आई है, उस समय कवि को लिखना पड़ा क्या, कि एम्बुलेंस पसिया से एम्बुलेंस पसिया से घर आईली लसिया हो, सब लोग बहावत बाणे असिया ये बाबूजी, है गौआ नगरिया के सब नर नरिया हो, आ चेहरा पे छवले बा उदसिया ये बाबूजी, गांव में लाश आते ही हलचल मच गई, आवार जवार टूट पड़ा। राजकुमार की लाश को देखने के लिए, अंतिम विदाई देने के लिए हित नात जे जहां से रहल तोड़ पड़ल, भाव लिखे के पड़ल, कि हित मिता जुट गई ल हित मिता जुट गई ल रोवे राणो पाली के निवासिया ये बाबूजी, जैसन के हम आप लोगों के बतौले कि गांव का नाम राणो पाली हो, राणो पाली में जैसे मातम छा गया बाबू, के ऐसन हुई जेकर पत्थर का कलेजा पानी ना बन जाए, हाय हाय उनके द्वार पर जे केहू जाए हाय हाय करत, केहू रोज चिल्लात, केहू छाती पीटत, लेकिन जब ये पूरा पता चलल राजकुमार के पत्नी के, एक घर में पहले तो छुपावल गई कुछ बात, लेकिन पोल खुली गई, आ जब बतावल गई कि तार मांग के सिंदूर दुनिया में ना हूँ, उस समय वो पत्नी के दिल पर का गुजरल बाबू, कवि जी भाव दिलन हम, कि गम में गोताई गई ली गम में गोताई गई ली धारा पे फेंकाई गई ली, भैली बेहोशा रुकल ससिया ये बाबूजी, माई बहू रहिया के बड़ी से नजरिया हो, नोच नोच रोवे अपन खेसिया ये बाबूजी,
पत्नी को जब पता चला है बाबू, पता पत्रिका में साफ लिखा गया है, न्यूज वाले बताते थे कि अचानक उसकी धड़कन रुक गई, नस कम चलने लगी, डीएम आए तुरंत वहां के, और डीएम आकर के उस घर पर ही एक डॉक्टरों का टीम तैयार करके घर पर उस औरत के लिए लगा दिया गया। लेकिन जब छोटे छोटे लड़का रहला सर, जब अंतिम विदाई होके लागल वो छोटे दोनों लड़कन के लेके अवहन का बाबा जेकर नाम हम सूरज बतौले लेके पहुंचलन राजकुमार के ताबूत पर। ताबूत के ऊपर लाश रखल बा वो लड़कन के दिखावे खातिर, अंतिम विदाई देवे खातिर। लड़का जब दोनों अपने पापा का लाश निकलस वही लाश पर गिर के रोवत पड़न, कैसन उस समय का दृश्य भइल हो आप लोगन खुद अंदाजा लगा ले। दोनों बच्चे रो रहे हैं, मासूम, समझ गए कि आज से पापा से नाता टूट गया। लेकिन रो के रोहत पाड़ा सुन कवि जी के लिखे के पड़ल का कि पापा पापा कहीं के रोवे सिया पर गिरी के पुका फार जी। अब रो के दोनों लड़का पापा के लाश पर रोत हूं, गिर के कहत हूं का के ई पढ़ाई हमके दिल्ली सहरिया पापा, के ई पढ़ाई हमके दिल्ली सहरिया पापा, कैसे मिली पापा वाला प्यार जी। मम्मी कैसे नूरा धू मिलक कई दियला पापा, मम्मी कैसे नूरा धू मिलक कई दियला पापा, तुअरा के दर्जा भइल हमार करा सहारे। अब रहब दुनिया में पापा के करा सहारे, अब रहब दुनिया में पापा, केहू नहीं खेता काले हमार जी। दोनों लड़का बाबू के लाश पर बैठ के रोत हूं, तरह तरह के बात कहत हूँ, देखे वाला लोगन का करेजा फाटत, लेकिन होनिहारी के केहू मिटा नहीं के सकत बाबू। होनिहारी जो होता है वो होकर रहेगी, कोई मिटा नहीं सकता है। पत्रकार और मीडिया वाले तो इतना तक कहे थे कि 4 तारीख राजकुमार के लिए एक अजीब तारीख थी। 4 तारीख को राजकुमार का जन्म हुआ था, 4 तारीख को राजकुमार बहाल हुआ था, और 4 तारीख के घर पर लाश आ गई। गजब 4 तारीख राजकुमार खाती भया। पत्नी के तो होश ना बाबू, लेकिन माई कैंसर से पीड़ित और छाती पीट के रोत पे। आखिर दुनिया का जो करम बा राजकुमार की लाश को लेकर के, ताबूत को लेकर के अब जाने वाले हैं नौजवान अंतिम संस्कार करने के लिए, उल्टा सलामी दागने के लिए। सभी लोग कहने लगे कि कम से कम एक बार माँ से तो मिला दीजिए आप। माई के दोनों तरफ से दोनों बाई पकड़ के माई के जब राजकुमार के लाश के जरी ले आवल गई बाबू, एक तरफ छाती माई पीटत बया राजकुमार के लाश पर गिर के रोत पे माई एगो बात कहत भी, का कह लेवे कि हाय लाला कही के रोवे पीड़िता मायारिया, छतिया पर मुक्का मार मार हो, हाय लाल कहीं के रो
बचिया परोवे पुका पार हो मतारी लाश पर गिरत पे रोवत पे और रोके ओ राजकुमार के लाश से सवाल करते का रहल सहारा पैसा हर कई दी हला रहल सहारा पैसा हर कई दी हला कैसे होई हमार उपचार हो आखिरकार बाबू कोबरा वाले कोबरा के पुलिस जो गई थी बाबू एम्बुलेंस में लाश लेकर के जवान सभी लोगों को हटा करके ताबूत फिर उठा लिए और ताबूत अपने कंधों पर रख करके श्मशान घाट की ओर चल दिए। लोगों की ताता लग गई, इतना तक मीडिया वाले दिखाए, पेपर वाले बताए, चैनल पर दिखाया गया कि राजकुमार की लाश पूरी अयोध्या में घुमाई गई। राजकुमार अमर रहे नारा लग रहा था। यही से हम कहिला कि कोई अपने लिए मरता है, कोई गैरों के लिए मरता है, लेकिन जो गैरों के लिए मरता है उसी का नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्ण के अक्षरों में अंकित किया जाता है। ए बाबू, अंतिम दाह संस्कार हुआ, जब चिता पर ताबूत को रखा गया उससे पहले राइफल उठा करके ओ कोबरा के जवान राजकुमार को उल्टा सलामी दाग करके विदाई दिए। राइफल उल्टा करके कवि को लिखना पड़ा क्या, अरे भाई भारत माता निरवा, ए भैया भाई भारत माता निरवा, खोई के गोद के अपन प्यारा चौबीस हीरावा, खोई गोद के अपन प्यारा चौबीस हीरावा, भाई भारत माता निरवा। गाना के भाव में दिहल गई, अल्लाह के लाइन में कहल गिल का कि पनिया के बिना मीना, हाँ ए भैया पनिया के बिना मीना जैसे छटपटाली भैया, बछवा के बिना जैसे गैया डांडिया, वैसे छटपटाली ज्ञान माती गिर धरतिया बाबू, बुढ़िया मायरिया रोवेली बिलखाई, पुतवा पुतवा कही के रोवे चाची चुमचे हरवा दादा, छतिया पे मुका मारी कही हाय हाय, दिए
मुख्यमंत्री माननीय महोदय आदित्यनाथ योगी जी ऐलान किए कि राजकुमार शहीद नौजवान को 50 लाख रुपया की राशि उत्तर प्रदेश सरकार दे रही है और परिवार की एक नौकरी। लेकिन ए बाबू, 50 लाख नहीं, 1 करोड़ अगर दे दिया जाए, क्या उस बेचारी से उसके पति को कोई दे देगा? मिला सकता है उस मासूम बच्चों के बाप को कोई दे सकता है? नहीं दे सकता है। रुपया तो एक धैर्य के लिए, सांत्वना के लिए दी जाती है। जवान तो चला गया, जिसका जिस माँ का बच्चा चला गया, जिस पत्नी का पति चला गया, जिस मासूम बच्चे का बाप चला गया, अब वो आने वाला नहीं है, चाहे आप कितना हो रुपया दे दे। कवि जी लिखलन है का, बनिए यादगार में सा ही दर्शन किया भैया, हाँ अखिया आंसू उनका गैली छल छलाया। ऐलान किया गया कि 50 लाख रुपया, 1 नौकरी और शहीद राजकुमार के नाम पर सड़क बनवाई जाएगी। ये उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐलान किया। खैर जो कुछ भी हो, इसीलिए मैं कहता हूँ कि कोई अपने लिए मरता है, कोई गैरों के लिए मरता है। राजकुमार नहीं है, इस दुनिया से चला गया, शहीद हो गया, लेकिन राजकुमार का नाम अमर रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, ए राजकुमार तेरा नाम रहेगा। मैं सलाम करता हूँ, हम गायक ओम प्रकाश सिंह यादव उन शहीद नौजवानों को सलाम करता हूँ और अपने मन से, दिल से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। लेकिन जनता की आवाज है और पूरे जनता से, पूरी पब्लिक से, शासन प्रशासन सबसे ओम प्रकाश यादव का कहना है, क्या कहना है कि जब तक शासन सत्ता में ना सुधार हुई है, आप विधवा बन के हरदम बहिनी हमार रोई है। अब सरकार से एक सवाल पूछे के बाद, का सरकार से सवाल बा कि कैसे पलान के चलल नक्सलियन के, विधवा बन के हरदम बहिनी हमार रोई है। आखिर बाबू, मीडिया में दिखाया गया, पता चला कि कोई न कोई तो उन लोगों से मुखबिरी किया होगा, तभी उन लोगों को पता चला था। और मीडिया वाले साहब बताए कि वहाँ के जिला उप अध्यक्ष नक्सलियों के मदद के लिए ट्रैक्टर खरीदा था। भाजपा के जो जिला के उप अध्यक्ष है, वही नक्सलियों के मदद में था और उस मदद करने के लिए वहाँ ट्रैक्टर खरीद कर दिया था नक्सलियों को। आखिर राज क्या है? हमारे और आपके बीच में ही देश के लिए लड़ने वाले नौजवान भी पैदा होते हैं और हमारे आपके बीच में ही साले वो गद्दार पैदा होते हैं जो हमारे देश के नौजवानों को मरवाते हैं, शहीद होने पर मजबूर करते हैं। तो जब तक सरकार में सुधार नहीं होगी, सरकार इस पर विचार नहीं करेगी, तब तक बाबू हमारी बहन विधवा होगी, आपकी बहन विधवा होगी और इसी तरह विधवाओं का तांता लगा रहेगा।
हमारे मासूम बच्चे टूअर होंगे, आपके मासूम बच्चे टूअर होंगे, अनाथ होंगे, और यही देखने को मिलेगा। तो हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे, करबत प्रार्थना करेंगे गाना के गीत के माध्यम से कि आप लोग सुधरिए, सरकार इस पर ध्यान दे, सरकार को विचारना चाहिए कि हमारी सरकार है, भाजपा की सरकार है, और भाजपा के पार्टी के जिला के उप अध्यक्ष नक्सलियों का मदद करके आज 22 से 24 जवानों को शहीद होने पर मजबूर कर दिया। विचार करना चाहिए। गाना के अंतिम लाइन में कहल गई का, जय देखाड़ गुरु जद्दू लौटन की लहरे फुलवारी, कथन करे कवि रविंद्र कवि ने सार की तैयारी, अरे बहाई भारत माता निरवा, ए भैया बहाई भारत माता निरवा, रब